दोस्तों, तुलसी पूजन से महावरदान पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विशेष पूजा अर्चना करनी होगी। जिस घर में तुलसी के पौधे की रोज पूजा होती है, उस घर पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। ऐसे में दोस्तों, तुलसी के नीचे बांधे ये चीज, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। तो दोस्तों, ऐसे में आगे बढ़ने से पहले और ये जानने से पहले कि तुलसी में क्या चीज बांधनी है, तो ऐसे में अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुलसी में आपको किसी भी दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद अपनी इच्छा को सोचकर एक लाल धागा लें। इस धागे को अपनी लंबाई जितना काट लें। अब धागे को तुलसी के पौधे के पास लेकर जाएं, अपनी मनोकामना बोल दें, साथ ही लाल धागे को 108 बार गांठ मार लें। इस धागे को तुलसी के पौधे में बांध दें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब इस धागे को निकालकर आप जल में प्रवाहित कर देना। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की हमारे यहाँ परंपरा है। ऐसे में अगर आप किसी भी दिन तुलसी के नीचे लाल धागा बांधकर पूरी श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और माँ तुलसी का वास हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों, देवी देवता एक बार जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना आशीर्वाद सदैव उस व्यक्ति पर बनाए रखते हैं जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता हो। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं, तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाकर रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है और माँ बिना चुनरी के अच्छी नहीं लगती। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर ही रखी जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी फट जाती है, पुरानी हो जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी बदल देते हैं। लेकिन आपको ना केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ा कर ही रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माँ तुलसी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई दिव्य शक्तियाँ तुलसी में विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। दोस्तों, इसी के साथ खाली पौधा कभी भी घर में ना लगाएं, इससे तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें, तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल झाड़ू पोछा रखना नहीं चाहिए, पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी नहीं चाहिए, घोर अनर्थ है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा ना रखें। तुलसी में कोई अन्य पौधा ना लगाएं। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित होती हैं। दोस्तों, जब तुलसी के पत्ते टूटकर गिरने लगते हैं तो उसे ऐसे ही फेंक मत दीजिए, उसे पानी या मिट्टी में दबा दें। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ा जाता और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को
देवी मानकर पूजा जाता है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत अनुष्ठान यज्ञ होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रेक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया ही जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा वैभव मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे, तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग शोक निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। दोस्तों, तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जान लेते हैं माँ तुलसी की पूजा विधि के बारे में, जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। दोस्तों, किसी भी दिन इस तरह से अगर तुलसी की आराधना करेंगे तो छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, पैसों की किल्लत से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है, कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिय हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के कलेश कलह खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता लाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे में कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पापनाशक और मोक्षदायक माना जाता है और पूजा अनुष्ठान हवन यज्ञ आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी वही वास करती हैं। इसी के साथ ही यदि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला हो, घर में सुख समृद्धि आने वाली हो या आपका अच्छा समय आने वाला हो, तो हमें तुलसी के पौधे के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए हमें तुलसी के पौधे को जल देते समय कुछ संकेतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, जो आपके अच्छे बुरे दोनों समय का निर्धारण करती है। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, नंबर एक, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती है। आप कितनी भी देखभाल करें, आसपास सफाई करें, जंतुनाशक दवाई डालें, किंतु चींटियां मकौड़े जैसे छोटे छोटे जीव तुलसी के पौधे के आसपास अपना घर बना ही लेते हैं और पौधे को खराब करने लगते हैं। ये इशारा है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में विपत्ति लाने वाला है। किसी व्यक्ति के कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर दो, तुलसी के पौधे का सूखना ये सूचित करता है किसी कारण से हमारा बहुत अधिक धन खर्च होने वाला है। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी सूखने नहीं देना चाहिए। नंबर तीन, यदि हरे भरे पत्ते अपने आप ही अलग होकर गिरने लगे, तो आपके घर में कलेश और बंटवारा जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। घर के आपसी रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे संकेत मिले तो बेवजह कलेश करने से बचें। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। नंबर चार, तुलसी के आसपास छोटे छोटे अन्य पौधे उगने लग जाते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। ये संकेत बताता है कि आपके घर में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। पांचवा संकेत, तुलसी के पौधे पर चिड़िया का बैठना धन के लाभ का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।